नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड के कुछ लेटेस्ट अपडेट। बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आए दिन कभी भी किसी भी तरह की खबरें सुनने को मिल जाती है, जिस पर सुनते ही लोग जमकर रिएक्ट करना भी शुरू कर देते हैं। दरअसल ऐसी बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों भी सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ आग की तरह फैल रही है और ये न्यूज़ कोई और नहीं बल्कि शमिता शेट्टी की लव लाइफ को लेकर है, जिसको लेकर अब खुद शमिता शेट्टी ने चुप्पी तोड़ दी है। दरअसल इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही थी जिसमें वो एक फेमस टीवी एक्टर की बाहों में नजर आ रही थी, जिसे देखकर लग रहा था कि शमिता की लाइफ में एक बार फिर से प्यार ने दस्तक दे दी है। वहीं इस वीडियो में वह पार्टी से बाहर निकलती हैं, तभी अचानक आकर टीवी एक्टर आमिर अली उन्हें अपनी बाहों में पकड़ लेते हैं और कैमरों से बचकर उन्हें उनकी गाड़ी तक छोड़कर आते हैं। वहीं अब इस वीडियो को देखने के बाद से लोग ये कयास लगाना शुरू कर दिए हैं कि शमिता और आमिर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वहीं अब इन सारे अफवाहों पर खुद शमिता शेट्टी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, जहां एक्ट्रेस ने ट्वीट कर डेटिंग की इन खबरों को खारिज कर दिया है। एक्ट्रेस ने लिखा है कि मैं समाज और इसकी सुविधाजनक मानसिकता से परेशान हूं। हर कोई बिना किसी जांच और पड़ताल के और सच्चाई जाने कुछ भी फैसला तुरंत लेने का जज क्यों बना हुआ है। नेटिजन्स की छोटी सोच से परे भी बहुत कुछ है। वहीं शमिता यही नहीं रुकी, उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि अब समय आ गया है कि हम इस सब के बारे में अपने दिमाग को खोले, सिंगल और खुश, चलिए देश के जरूरी मुद्दे पर ध्यान दें। इस पोस्ट के जरिए अब एक्ट्रेस ने साफ कर दिया है कि वह सिंगल हैं और खुश हैं। बता दें कि साल 2021 में शमिता बिग बॉस OTT में नजर आई थी, जहां उनकी मुलाकात टीवी एक्टर राकेश बापट से हुई थी और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में भी बदल गई थी। वहीं बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद शमिता और राकेश अक्सर एक दूसरे के साथ स्पॉट किए जाते थे और कहा जा रहा था कि शमिता और राकेश जल्द ही एक दूसरे से शादी भी करने वाले हैं, मगर अचानक फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। शमिता और राकेश के ब्रेकअप की खबर से दोनों के फैंस काफी ज्यादा दुखी हो गए थे, मगर अब लग रहा है कि शमिता शेट्टी की लाइफ में राकेश का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया है और एक्ट्रेस अपनी लाइफ में काफी ज्यादा आगे भी बढ़ गई हैं। लेकिन आज भी आप शमिता और राकेश की जोड़ी को कितना मिस करते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल, अभी के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।